हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरी शाम। गाइज, अभी हमारा प्लान बन गया वृंदावन जाने का। एक बाबा जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज, जरूर आपने उनकी रील्स देखी होंगी भाई। उनके विचार सुन के ना बिल्कुल आनंद आ जाता है। तो आज उनके दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद भाई वृंदावन में और मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो भाई शायंस अभी रेडी हो चुका है बिल्कुल। गाइज रात हो रही है, मैं शायंस से कह रहा था भाई सो जा, मगर भाई इसके अंदर इतनी एनर्जी है ना, ये कह रहा मैं भी जाऊंगा, क्योंकि भाई विशाल जा रहा है ना, इसलिए ये भी जाने की जिद कर रहा है। और ये देखो भाई, चीज वीज ले ली इसने, चुपा चुप खाएगा वहाँ वृंदावन में। चलो तो भाई अभी विशाल को बुलाते हैं और निकलते हैं। तो भाई विशाल भी आ गया है, आज इसे भाई सच्चे साधु के दर्शन करवाता हूँ। आज भाई उनके दर्शन करके आएंगे और आपको डिटेल भी बताएंगे कि अगर आपको जाना है ना तो कैसे जाना है। ये बबलू भी आ रहा है साथ में, और क्या। ये देखो भाई शायंस आ चुका है सारा सामान लेके, अब चलते हैं भाई फटाफट से। अभी भाई रात के 10:30 बज गए हैं। उन बाबा के आश्रम के यहाँ ना रात को 1:30 बजे लाइन लगती है, तो हमें 1:30 बजे लाइन में लगना पड़ेगा भाई। पर भाई अगर किसी सच्चे संत के दर्शन हो जाए ना तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आज भाई दर्शन करके ही आएंगे, तो भाई फाइनली निकलते हैं। जय भोलेनाथ। कोई जाप नहीं मिलेगा, तो चलो गाइस चलते हैं। तो भाई अभी सीएनजी भरवाने के लिए रुके हैं और शायद देखो खड़ा खड़ा सो रहा है और मिस्टर विशाल लंगड़ाई तोड़ते हुए। चलो भाई अभी सीएनजी भरवा दिए, अब बस 10-12 मिनट लगेंगे, 10 मिनट का रास्ता रह गया बस। तो गाइस जैसे ही आप वृंदावन में आओगे आपको ये गेट दिखेगा जिस पे लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। अब इसी रोड पे आप सीधे चलोगे ना तो लगभग 4-5 किलोमीटर के बाद आएगा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर तो सभी को पता है, उससे आगे बताऊंगा मैं बाबा जी के आश्रम का रास्ता कहाँ से है। आज पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी है भाई, पूरा गाइड कर देंगे आज। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर। यहाँ से थोड़ी सी आगे ना एक चौकी आएगी, उससे लेफ्ट हैंड को लेना होता है। ये देखो गाइस लगभग 200 मीटर के बाद ना यहाँ पे चौकी आएगी। ये देखो पुलिस की गाड़ी खड़ी है, रमन रेती चौकी है। यहाँ से उल्टे हाथ को लेना इस गली में भाई। इस रोड पे लगभग 400 मीटर चलने के बाद ना श्री राधा पैलेस होटल आएगा, इसके साथ ही गली है, यहाँ पे लाइन लगती है। ये देखो भाई ये कॉलोनी का नाम है और यहाँ से होती है एंट्री। और भाई रात को 1 बजे लाइन देख लो भाई कहाँ तक पहुंची हुई है। तो भाई अभी रास्ता सजा दिया है और भाई लाइन देखो पीछे तक, भाई अंदर नंबर आना तो मुश्किल है। भाई गुरुजी आ चुके हैं, भाई गुरुजी की एक्टिवा देखो भाई कितनी सुंदर। अरे यार अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण तेरे से हो रहा है क्या? अरे अहंकारी, तू अपने अहंकार को प्रभु में समर्पित करके देख, मौज लूटेगा, आनंद लूटेगा, मस्त हो जाएगा। यही भ्रम है कि मेरे से चलता है। तो एक बार अपने आप को प्रभु के हवाले तो करके देख, सब बंद हो गए फिर ये तो बाबा जी बनाने वाली बात कह रहे। करो जो कर रहे हो, हम ये लेके ताला लगा दो दुकान में, नौकरी में मत जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। आप केवल ये सब करते हुए प्रभु का भरोसा ले लो, कैसा आनंद आपको मिलता है। दर्शन कर लिए हैं, अभी देखो भाई कितनी भीड़ है। और यहाँ पे देखो बाबा जी की तस्वीरें बिखरी हैं और मालाएं कुछ। ये देखो भाई वृंदावन के खतरनाक बंदर, टोपी चश्मा एक मिनट में ले जाते हैं। सुखाई अभी देखना, बंदरों को बुलाऊंगा और मस्त नाश्ता कराऊंगा उनको खतरनाक वाला। ये ले सुखाई, देखो मैंने पराठा यहाँ पे रख दिया है, अब देखते हैं बंदर आता है नहीं आता लेने के लिए पराठा। और कोई बंदर आ नहीं रहा पराठा खाने के लिए हमारा, बंदर को दिखाई नहीं पराठा अभी तक। तो गाइस अभी विशाल उल्लू बना रहे हैं भाई। ये देखो बंदर आ गया, बंदर भाई आया पर बिना खाए चला गया यार, पता नहीं क्या हो गया। ले 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 भाई, अब गाड़ी पाएगा देखो बंदर। भाई अभी एक ऑटो फेंक रहे हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। भाई ये कैसे कर रहा है भाई, ये क्या है? ऐसे ऐसे कर रहा था भाई, मजा आ गया देख के बंदर को। सोखा अभी ना बंदर साथ प्रैंक करने वाले हैं, जो खाली फोले पर है पराठे सारे खिला दिए बंदर को। अब इसको ना बताए गोल मटोल लड्डू बना के इसको फेंकता हूँ आगे और देखते बंदर लेने आता है नहीं आता। थोड़ा सा काट भी ले बाद में फेंकने। बंदर के पास फेंकता हूँ, खोल के देखता है नहीं देखता। अरे यार, तो गाइस अभी आ गए गाड़ी में। अभी हमारा प्लान है बरसाना जाने का, राजा रानी के टेंपल में दर्शन करके फिर घर निकलते हैं। भाई रात को 1 बजे लाइन में लगे थे, अब 10 बजे दर्शन करके आए हैं। 11 घंटे में दर्शन हुए हैं। जब से तेरी
सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी। भाई फाइनली पहुंच चुके बरसाना। तो भाई अभी गाड़ी लगा के आ गए हैं। तो भाई ये सारा पहाड़ी रास्ता है और भाई धूप भी भयंकर पड़ रही है, सांस फूल की। ये देखो यहाँ से बरसाना गांव कैसा लगता है। तो भाई देखो वहाँ पे राधा रानी टेम्पल, अभी चलते हैं वहाँ पे। तो भाई अभी माला ले लिए, आज एकादशी है ना, तो भाई काफी भीड़ है। अभी देखते हैं यहाँ पे कितनी देर में नंबर आता है। बाकी शाम तो भाई पूरी रात सोया गाड़ी में, हम दर्शन की लाइन में लगे रहे, ये सोते रहे। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं राधा रानी टेम्पल, अभी अंदर चल के दर्शन करवाते हैं आपको। जय श्री राधे। तो गाइस दर्शन करो, जय श्री राधे, राधे राधे। तो भाई शायंस को प्रसाद में मिली माला, बाकी गाइस भीड़ बहुत ज्यादा है। हो नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है। तो भाई अभी अपने मस्त दर्शन हो गए हैं, अभी नीचे चलते और कुछ मस्त सा खाते हैं। भाई विशाल ने भूखे मार दिया आज, भाई मेरे तो पेट के में कूद कूद के मर गए। तो भाई अभी खतरनाक गर्मी हो गई थी, इसलिए भाई मस्त स्प्राइट ले ली। भाई साहब गर्मी बहुत खतरनाक है यहाँ पे, अंदर से फटने को हो रहा शरीर, भाई बहुत थक गया भाई। चल तो भाई अभी चलते हैं और मस्त सी जगह कुछ खाते हैं। भाई चलो चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं ढाबे पे कुछ खाने, और भाई शायंस को यहाँ पे भी गाड़ियाँ मिल गई भाई। ये देखो तीन तीन गाड़ियाँ भाई, और ये देखो भाई यहाँ पे मटका बनाना भी सीख सकते हो। यहाँ पे देखो थार खड़ी है, ब्रांड न्यू थार, और कितने छोटे छोटे टायर लगा रखे हैं। गाइस इस ढाबे पे आ तो गए हैं, मगर भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ भाई क्या खाना है? मुझे फूल खाना है। भाई साहब इतनी गर्मी है ना, भाई आंखें भी जलन करने लगी। तो गाइस अभी देखना शायंस के साथ प्रैंक करूंगा। चलो छोड़ो खाना आ गया, देखने लग गया प्रैंक। तो भाई अपना मस्त खाना आ चुका है, भाई भयंकर भूख लग रही है, अभी निपटाते भाई। तो भाई देखो साइंस का सब्सक्राइबर मिल गया यहाँ पे भी। चलो भाई अभी मस्त खा लिया है, आके ना पेट में शांति होगी भाई। सुबह से भूखे मर रहे थे भाई, मजा आ गया भाई। और भाई साइंस ने तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ गेम खेलने के लिए आया था हमारे साथ। चलो तो भाई अभी जल्दी चलते घर। तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइस अभी घूम के घर पहुंच चुके हैं, और भाई यहाँ पे देखो भाई सब्सक्राइबर्स की गैंग आ गई अपने मम्मी पापा को लेके। भाई इतनी दूर दूर से बच्चे वेट कर रहे थे हमारा वृंदावन से आने का। भाई थैंक यू, भाई थैंक यू सभी को। तो गाइस देखो बहुत दिन बाद भाई पानी भी आ चुका है। तो भाई श्री जी राधा रानी और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करके तो आनंद ही आ गया। होप करता हूं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।